यस। हेलो दोस्तों, आ जाइए सारे, आ जाइए। आ गए हम लाइव, आ गए हम लाइव। प्ले माय प्लेलिस्ट सुमित। देखें कौन कौन चैट पे कोई। हेलो हेलो प्रफुल्ल, हेलो हेलो श्वेता, हाय हाय कनिष्क, हाय श्रीकांत, हेलो भाई, हेलो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, काफी एक्साइटेड हेयर फॉर खंबा सुमित ओपी। यस, वेयर इज मेलोफाइल एपिसोड्स कमिंग दोस्त। बहुत सारे हेडफोन्स आ गए मेरे पास। मैं फटाफट अगले वीक सारे हेडफोन्स के रिव्यूज आने वाले हैं, तो तुम लोग ऐसा अनफॉलो मत कर लेना। शॉर्ट आउट प्लीज, सूरज तिवारी, भीख मांगना बंद करो शॉर्ट आउट की। थैंक यू सो मच। अंकिता, हेलो 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 शुभम, हेलो। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का शो। काफी एक्साइटिंग पैनल है दोस्तों। आई एम वेरी एक्साइटेड, तो इंट्रोड्यूस कर देते हैं, सबको बुला ही लेते हैं। प्लीज वेलकम विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। कहीं पे भी बैठो ताली बजा लो फॉर खंबा, सुरेश मेनन, मोहम्मद अनस एंड गुरलीन पन्नू। हेलो, वाह वाह, वेलकम एवरीबॉडी, क्या बात वेलकम। है। हेलो हेलो एवरीबॉडी, सो एक्साइटेड टू बी हियर सुमित। थैंक यू सो मच अनस। एक्साइटमेंट तो मुझे पहले दिन से ही दिख गई। मैंने अनस को मैसेज किया कि यार बधाई हो फटाफट, एंड ही इज लाइक, अरे मैं मस्त देखता हूँ, मैं तो फिल तैयार हूँ। मैंने कहा आई विल सी द स्ट्रैटेजी, ही इज टू कॉन्फिडेंट द डे आई। अनस, व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी फॉर टुनाइट? लाइक सुमित, आई थिंक स्ट्रेटेजी तो मुझे पता नहीं, बट आई थिंक एवरीबडी एल्स इज हियर फॉर फन एंड गेम्स। आई एम हियर फॉर माय करियर। आई एम हियर टू गिव माय सेल्फ अ शाउट आउट। आई डोंट हैव एनफ फॉलोअर्स, सो दैट्स माय स्ट्रेटेजी मैन। आई एम जस्ट गोना बी ट्राई टू टॉक एज मच एज आई कैन। दैट्स माय स्ट्रेटेजी। फर्स्ट गुरलीन, व्हाट्स योर स्ट्रेटेजी? लाइक अनस सेड, आई एम आल्सो हियर फॉर फॉलोअर्स, दैट्स व्हाई आई हैव पुट एन some effort and she's already copying Anas ke mujhse ek 2-3 thousand followers zyada hai, to mujhe Anas ko to kam se kam beat karna hai, so I'm also here for that. Nice. Suresh sir, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? मैं बिल्कुल फॉलोअर्स के लिए आया हूं, बिकॉज मुझे होजे का रिकॉर्ड बीट करना है उनके लिए। आई डोंट हैव टू मेनी फॉलोअर्स, सो जिसके वजह से बहुत काम कम हो रहा आजकल। सिर्फ मैं और खंबा के साथ और काम करना चाहता हूं, एंड आई होप दैट यू ऑल मुझे प्लीज और मौका दीजिएगा सर। एंड वंस आई वांट टू आल्सो होस्ट केबीसी इफ सोनी समबडी इज वाचिंग। ऑलराइट खंबा, व्हाट्स योर स्ट्रेटजी? सर सेम, बस मिलेनियल फॉलोअर्स। सॉरी, मिलेनियल के बाद कौन सा है? मिलेनियल तो हम जेन जी। सॉरी, जेन जी फॉलोअर्स। और इसका मैं आपको बता दूं, लोगों को लग रहा होगा मजाक है, बट मैंने लिटरली जब हमारा शो रिलीज हुआ था 3 हफ्ते पहले, मैंने अनस को पूछा था कि इंस्टा पे स्विच ऑफ कैसे करते हैं लाइव स्ट्रीम। वेल, अनस वाज लाइक, व्हाट द फक, हाउ आउट ऑफ टच आर यू विद लेटेस्ट इंस्टाग्राम अपडेट्स? दैट्स व्हाई गाइस, as somebody who really used to look up to him na, that really broke the bubble for me. That was like ab as equals inse baat karte hain. I think we all look up to Khamba also because he's very very tall. Sir nahi, I really lost my double chin when I was shooting with you Khamba, you know, so. Oh my god. I just want to say I'm going to destroy Khamba today. Oh, this game. Yeah, so that he can destroy me professionally later. Aggression coming through that way right now. We have got a lot of things happening over here. Collapsing. काफी unnecessary antagonism, but ठीक है, ठीक है. I'll be mentally ready. I really want to be competitive today. If this is really fun and games, I just want to have some spirit of. Exactly. अगर ये यही इसी को हम, ये जो स्पिरिट है इसको हम सलाम करते हैं, और आपको पता चलना चाहिए आप सबको क्या मिलने वाला है इस शो पे। आप सबको हमारी तरफ से हमारा कस्टम मर्च जो है वो आप सबको मिलेगा। एक टी शर्ट आप सबको जाने वाली है, सो जब भी तैयार हो जाता है। यस यस, एवरीबॉडी इज गेटिंग समथिंग फॉर श्योर। नाउ फॉर द विनर्स, क्या आप लोग देखना चाहते हैं कि विनर को क्या मिलने वाला है? क्या बात है। तो ये जो इयरबड्स है दोस्तों, इसमें बहुत सारे जो कलर्स आपको चाहिए आप मंगा सकते हैं। ये इयरबड उनको मिलेगा जो ये शो, ये एपिसोड जीतने वाला है, और ये हो पाया है द ऑडियो स्टोर डॉट इन के वजह से। तो थैंक यू टू ऑडियो स्टोर डॉट इन फॉर गिविंग दिस टू द विनर। क्या लगता है अनस, इज इट वर्थ फाइटिंग? हाँ, मुझे ऐसा लगता है, ये जो
जीत की गूंज है वो मैं इन ऑडियो स्टोर के ईयरफोन्स में सुनना चाहूंगा. वाओ वाओ दैट्स व्हाट आई एम गोना से. आई एम गोना लूज सो हार्ड, यू नो आई एम गोना लूज सो हार्ड. वन सॉन्ग दे विल प्ले, दे विल बी लाइक अनस का गाना. आई थिंक अनस को जरूरत भी है. अनस बहुत पुराने ईयरफोन्स लेके आया. या एंड मैं इतना पुराना हूं, मैं डोनेट कर देने चाहिए. मैं तो जॉनसनस ईयरबड वाला हूं, तो ये मिल गया तो आई बी वेरी हैप्पी. मस्त मस्त खेलिए दोस्तों आप लोग, एंड आई होप जो भी डिजर्विंग वो जीते. सो या प्रीटी मच दैट्स इट. हम लोग पहला गाना सुन सकते हैं अगर आप लोग रेडी हो तो. बिल्कुल या मैन, गो फॉर इट. ऑल राइट, तो दोस्तों पहले गाने का वक्त हो चुका है, तो जाते हैं पहला गाना और देखते हैं आज किसकी स्ट्रेटजी काम आती है. Feels like Dasa Dam for no reason. Awaaz aa rahi hai? I can see all the hope crashing on Khamba's face. Khamba already wants to drop out. ये गाना है अभी. नहीं 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 नहीं, मैंने सुना हुआ है यार, come on, इतना तो out of touch नहीं. नहीं एक मिनट, तो हाँ सुमित, who is guessing? Sumit, Sumit, you're on mute. So basically, sab koi ko guess karna hai ki gana kiska hai. I will start with Anas. And basically, you guys have to, matlab, ye gana aapka kyun nahi hai, wo daleel pesh karni hai pehle. So I will start, so basically, yeah, aap kuch bhi kar sakte ho, aap keh sakte ho. So I will start with Anas, kya lagta hai ye gana kiska hai, Anas? Dekhe, Sumit, is gaane mein na, ek jawani ka element hai. मुझे ऐसा लगता है, देयर इज सम यूथ इन दिस सॉन्ग, लाइक इट हैज दैट पेपी पार्टी नंबर. आई फील इट्स आइदर सुरेश सर और गुरलीन, लाइक इट्स नॉट खंबा, लाइक आई नो हु इट्स नॉट, बट आई थिंक कैन आई अराइव टू माय आंसर आफ्टर दिस. यस 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 यस, इट्स जस्ट अ दलील राउंड, सो एवरीबॉडी पेस्ट द दलील एंड देन वी विल गो टू द वोट्स. मुझे लग रहा है कि अनस जान के डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, गाना इसी का है. क्योंकि हालांकि ये देखो, ये ऑब्वियस चीज है ना, ठीक है, कि स्टार्ट हो रहा है थोड़े उर्दू वर्ड से, तो वहां पे नेचुरली जा सकता है वहां पे. बट एक मिनट, सुरेश सर क्या इस पिक्चर में थे? ये भी हो सकता है, कोई भी गाना आज अगर आए, फर्स्ट फिल्टर शुड बी क्या सुरेश सर उस पिक्चर में थे क्या किसी तरीके से. इंटरेस्टिंग, वो भी एक फिल्टर लिखना चाहिए मेरे को. अपने खुद की लिस्ट खोलनी पड़ेगी. Oh my God, so many films. I will just give one trivia. हो सकता है कि कोई इस बात का फायदा भी उठा सकता है कि है ना. सुमित proper confused करते हुए as a host. Yeah, I'm just saying कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो obvious है उनको लगता है कि ये obvious है, वो obvious नहीं होता इस game में. तो yeah, Gurleen, what do you think? Obvious answer is gaane ka Anas hai, because Anas has a tendency to listen to these kind of songs. Matlab uske hai thodi aise. That's 100% true. That's 100% true. But this is not my song. If anybody wants to trust me, because we've worked together. Then becomes so obvious. So I don't really. Suddenly I don't trust you. Khamba sir. इस पे reel बन सकता है क्या इस गाने पे? बन सकता है. Yeah, बना है. Reel है. बना है क्या? इस पे रील है. You want me to change my shirt right now on stream? Try करना. I feel it's Khamba's song. Okay. No, because I feel it's somebody who's actually is well thought out. You know, to confuse the contestants in this. So you know, there's a element of, you know, thrusting some confusion. And yeah. देखो सर, आई विल से वन थिंग, इस पूरे शो के लिए जब सुमित ने बोला था कि प्लेलिस्ट भेजो, मैंने कभी कॉन्शियसली ऐसे नहीं सोचा था कि मैं गलत गाना मिसडायरेक्शन के लिए भेजूं. मैंने दिल से अपनी प्लेलिस्ट था, स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट से गाने भेजे,
कि देखो आप सॉरी इज स्पॉटिफाई ब्रांड स्पॉन्सर नो कुछ भी व्हाट इज स्पॉटिफाई हां व्हाट व्हाट इज स्पॉटिफाई आल्सो बिकॉज़ नाउ अनस इज ट्राइंग टू लुक इनोसेंट एंड यू नो या सडनली आई डोंट नो व्हाई सर बट आई एम गुरलीन आल्सो आई एम वेरी इनोसेंट सर आई एम जस्ट आई एम सेइंग इट्स गुरलीन बिकॉज़ शी इज ट्रूली अ मेनेस हियर आई एम डैम इनोसेंट हियर आई जस्ट वांट टू से हो सकता है गुरलीन है चंट एकदम वो एकदम प्ले शरीफ प्ले कर रही है हो सकता है उसका भी एंड देयर इज अ बिट ऑफ रोमांटिसिज्म रोमांटिसिज्म इन दिस सॉन्ग सो यू नो गुरलीन लुक्स लाइक शी इज गोना पार्टी टू दिस सॉन्ग लेटर हां ही लुक्स लाइक दैट राइट नाउ फॉर ऑल फॉर ऑल दीस वेरी रीजंस आई थिंक इट्स अनस एनीवे आई डोंट थिंक आई लुक लाइक दैट के आई विल पार्टी टू दिस सॉन्ग मतलब ऐसा नहीं है कि गाना अच्छा नहीं गाना तो बहुत अच्छा लेकिन Great I don't song. know why Anas is so like loudly is like deflecting. Kaun hai lyricist? I'm just you know bit cute. Tab dekho. Probably Sameer. I don't know Sameer has written a lot of songs. कुछ गाने ऐसे होते हैं जिसको सुन के लगता है कि जावेद अख्तर जी वैसे ही लड़ रहे थे फालतू में रॉयल्टी के लिए मतलब दिस इज वन ऑफ दोस सॉन्ग्स बहुत ही उम्दा लिखा है भाई कोई बात नहीं आगे बढ़ के ओह माय गॉड आ गए दिलीप आ गए आ गए सर आ गए बाहर आ गए जाए सब आ जाएंगे तो बीच बीच अगर आपने जिक्र कर दिया फिर तो बात तो करनी पड़ेगी उनकी तरह जावेद साहब आपने लिखा है क्या ये गाना अरे भाई मैंने लिख के बहुत साल हुए एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा उसके बाद मैं खुद नहीं जानता हूँ कि मैंने क्या लिखा है कचिन सर आजकल जो आईपीएल में सट्टेबाजी चल रही है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है Hey, wow, I'm certainly glad. Hey, who's Kachin? I don't know who's here. All right, friends. Jeher playlist is running. And Jeherila is playing in one song. And I want to know what it is. Let's vote. I will start with Anas. Your final vote, Anas. My final vote is... I really want to say Khamba, but it's Gurleen. All right. Gurleen, your final vote. I would say Anas. I think it's Anas. Okay, Suresh sir, your final vote. Khamba. Khamba. Khamba, your final vote. I would say Gurleen. All right. तो ये है फाइनल वोट्स दोस्तों आपके खंबा ने वोट किया गुरलीन को सुरेश सर ने वोट किया खंबा को गुरलीन ने वोट किया अनस को और अनस ने वोट किया गुरलीन को ये जो गाना है वो जिनके प्लेलिस्ट से आ रहा है उनका नाम है गुरलीन पन्नू यस यस खंबा और अनस को पता था गेम ऑन ओहो आई एम रनिंग आई एम फार बिहाइंड द थिंग नाउ आई लेट इट दैट ऑबवियस लाइक मुझे लगा नहीं था कि गेस होगा बट नहीं ये है बिकॉज़ दिस इज प्री पार्टी दिस इज लाइक बिफोर यू गेट ऑन द टेबल एट द क्लब तो ये थोड़ा वो वाला जोन में था तो पकड़ा गया Also, Gurleen, to be honest, it was either you or me, I think. Pretty 50-50 on this one. No, okay. Gurleen, what's the story behind this song? Kiya Kiya, kab se aapke playlist mein? It's actually, there's no story. We used to do college mein, oh sorry, school mein, recess mein we used to do the step. So, wahan se gaana suna tha and sometimes I listen to it. Isme Nana Patekar performance bahut class hai. So. Thank you. Really appreciate it. बहुत शुक्रिया अच्छा लगा ये सुनकर बिग उतार के बोलो बिग उतार अरे बहुत अच्छा लगा हेड्स ऑफ टू यू ऑल हेड्स ऑफ मजा आ गया बहुत सही दोस्तों अनस और खंबा को 5 पॉइंट्स मिलते हैं क्योंकि दोनों ने गेस कर लिया है अब बिल्कुल इसी के साथ अगला गाना सुनते हैं दोस्तों तेरा है नशा मेरे सिर ते छा गया ऐसी तेरी अदा मैं हो गया निफिदा तेरा है नशा मेरे सिर ते छा गया ऐसी तेरी अदा मैं हो गया निफिदा Two for your swag, three for the way that you look from the back. Damn, how you do it like that? Make it drop, girl, then bring it right back. She the model type, waist bottle nice. Got a touchscreen phone with the auto type. You got that Zeus on Serato, right? Cause if so, she gon' dance all night. Nah, 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 nah,
Yes, दोस्तों दो नंबर क्या लगता है ये गाना किसके मुझे पता है किसका नहीं है ये गाना ये सुरेश सर का तो कतई नहीं जन्म में तो हो ही नहीं because you know I always have this issue with you know like imagine those beautiful lyrics you know ये रात ये चांद you know चल रहा है वो गाना उसके बीच में हाँ हाँ रात है दस बज गए आज रात है कल सुबह होगी आज रात है you know ला 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 उठ जाओ तुम अभी सब लोग सो गए प्रोफेसर ने गाना लिखा है सर ये दो नंबर में इसको दो नंबर में इसको ये देखो ये सुरेश सर का भी हो सकता है बिकॉज ये एक्चुअली है तो अनस छपा हुआ है इसके ऊपर गाने के ऊपर बिकॉज ये पर ये देखिए इसमें ये डुअल एज सॉर्ड वाला गाना है ठीक है इसमें ऑब्जेक्टिफिकेशन भी हो रहा है और बच्चों को मैथ्स भी सिखाई जा रही है ठीक है तो ये बड़े कम बहुत कम गाने होते बहुत कम मार ऐसे गाने होते जहां पे आप दोनों अचीव कर पाते हैं ना स्टेप मार्किंग भी हो रही है बहुत अपनी तरफ से तो सोचा है मतलब ऐसा नहीं है कि पंजाबी गानों की ऐसी बेइज्जती कर रहे हैं लोग yeah, yeah, है ना कि yeah. तो आप yeah. देखिए आप सोचिए इस बात के बारे में yeah, tell us more about your song Khamba yeah what else what other objectives no. this song very well because it's a Punjabi song तो देखो यहाँ पे दो पंजाबी तो बैठे हैं yeah. देखो हाँ तो ये अभी मैं मेरे को पता था देखो पंजाबी गानों में मेरा टेस्ट उससे बेटर है ठीक है तो ऐसे नहीं है कि मतलब ये दो नंबर वाले गाने लेके बैठे हुए दिस इज नॉट फेयर प्लीज एंड एज यू नो आई एम कॉमर्स विदाउट मैथ्स ग्रेजुएट इतने मार्क्स वाले में लेके चलता ही नहीं हूँ गाने अपने साथ प्लेलिस्ट में तो आई एम प्लस टू मेडिकल तो मेरा लो तो हमारे को तो आनी चाहिए बीकॉम ग्रेजुएट आईसीडब्ल्यू इंटरमीडिएट पर हु आर वी टॉकिंग टू नाना पाटेकर और सुरेश सर राइट नाउ बिकॉज़ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात हां एजुकेशन की बात है आपका केरला निकल आया है पूरा पूरा बाहर बराबर से आ गया नहीं ये तो अनस का लग रहा है मेरे को काफी ऑब्वियसली ये मिसडायरेक्शन का अटेम्प्ट है पंजाबी बोल के मेरे ऊपर डालने का अटेम्प्ट है बट अनस का गाना है ये आई हैव नेवर इवन सेड दैट इट्स पंजाबी दैट्स व्हाई आई एम नॉट दैट इजी विद माय स्ट्रेटजी आई फील इट्स अगेन गुरलीन सॉन्ग बिकॉज इफ इट्स खंबा सॉन्ग देन खंबा को थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए अगर ये उनका गाना है मुझे ऐसा लगता है और सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये गाना उनका है क्योंकि उन्होंने इतना एक्सप्लेन किया कि व्हाई इट्स नॉट हिज सॉन्ग सो इफ इट टर्न्स आउट टू बी हिज सॉन्ग जस्ट दैट्स व्हाई आई एम अ बिट यू नो लाइक कंफ्यूज्ड क्योंकि इतना एक्सप्लेनेशन इतनी तैयारी रखना गाने के ऊपर कि ऐसे है वैसे है तो कैन बी खंबा मुझे देखो मुझे उसको इम्प्रोव बोलते हैं गाइस इट्स नॉट कि मतलब तैयार करके आई मीन व्हाट इज दिस टीवी शो विद स्क्रिप्टेड कंटेंट कम ऑन एन ओटीटी प्लेटफॉर्म और चलो कोई बात नहीं Thank you. I wish someone channel would hire me. Sir, Sony and Zee have merged today. I don't know where our show will be next week. No, but they merged? Yeah, they merged, but two more months till they finally tell how is it going to be merged. But I guess brands will remain the same. And they'll come. Suresh sir knows. दोस्तों चलो कोई बात नहीं प्लीज जितनों नहीं देखा है प्लीज वॉच इट क्योंकि मैंने देखा मुझे बहुत पसंद है यस वेरी गुड बहुत सही काम गाने चाहे हमारे जैसे मर्जी हो बात हमने अच्छी करी है बहुत अच्छी बिल्कुल चलो तो दोस्तों फाइनल वोटिंग ले लेते हैं अभी खंबा व्हाट्स योर फाइनल वोट मेरे को ना सुरेश मैं काफी अनस की तरफ लीन कर रहा था बट ये सुरेश सर के उसने थोड़ा मेरे को असमंजस में डाल दिया है तो मुझे लग रहा है कि ये ठीक है सुरेश सर आई टेक अ पॉइंट ऑन योर थिंग गुरलीन का गाना है ऑल राइट गुरलीन सुरेश सर आपका फाइनल वोट आई एम आल्सो गोइंग विद गुरलीन गुरलीन ओके गुरलीन योर फाइनल वोट
I'll have to go with the Anas then, because I don't think so. Because okay. We're great friends, that's why. But Sumit, I'm going to go with Kamba. Kamba. Okay, dosto. Yeah, final votes. Just Kamba. Yeah, Anas, go ahead. Kya bol rahe the? Yeah, just it's a hunch, which is probably going to be wrong, but I really want to find out. If it's Suresh sir, I'm selling my property if it's Suresh sir. But it's definitely All right. दोस्तों आप सबके वोट्स ये हैं. खंबा ने वोट किया गुलिन को, सुरेश सर ने वोट किया गुलिन को, गुलिन ने वोट किया अनस को, और अनस ने वोट किया है खंबा को. तो ये जो गाना है दोस्तों, ये आ रहा है, ये भी गुरलीन पन्नू जी का ही है. यस, अभी मुझे इतनी शर्म आ रही है, कितनी बेइज्जती हुई इस गाने की. गाना डिलीट, ये यूट्यूब से उतरवाऊंगी मैं गाना. मैंने सिर्फ अमरिंदर गिल करके गाना उठाया था, मैं तो कोई भी गाना उठा सकती थी, मुझे ये सजेस्ट हुआ, मैंने यही डाल दिया. अमरिंदर गिल के 100 गाने कोई भी डाल सकता था तू. ये किया के नीचे ये सजेस्ट हुआ गाना, मैंने कहा ओ अमरिंदर गिल का पंजाबी गाना डाल दिया. मैंने यही, मैं कल सुन रहा था अमरिंदर गिल इश्क हो गया, मैं कल सुन रहा था, शुक्र है मैंने डाल नहीं दिया, कंफ्यूज हो जाती जनता. ये गुरलीन यही होता है, आधे घंटे पहले प्लेलिस्ट भेजो ना, जब तो ऐसे ही तुरंत तुरंत गाने. मैंने यही ऐसे ही भेजी थी सुबह उठ के, मेरे को पता ये यार. But I generally should have gone with Gurleen only. I don't support whatever is said in the song. I support the maths. I'm not. मैं पहले clear कर दूँ. बहुत बेस्ती होगी गानी. अभी सुमित सर, please आप कोई और उठाए playlist. मेरी तो बिल्कुल भी जाओगी. I'm going to be very conscious after this. But इस गेम में जनरली लोग इनसे वो ट्रस्ट नहीं करते, बट वी सॉ अ वेरी गुड ट्रस्टिंग बिटवीन सुरेश सर एंड खंबा. लाइक उन्होंने एक पॉइंट दिया एंड ही अग्री टू दैट एंड दैट वर्क, दैट्स ग्रेट. इट वाज आवर कान मस्ती. ऑलराइट दोस्तों, अगला गाना ये रहा, एंजॉय करें. मिटा जा इश्क दा जान दिखा जा, जो मेरा रात है आजा साथ, साथ निभा जा साथ, साथ निभा जा. No. और जो मेरा No. रात है Oh, no, आजा साथ, साथ निभा जा साथ. No, Kamba, don't say. What a memory. Thank you so much for playing this song. ये सुरेश सर के मुंह से क्यों निकला ये? Exactly. मैं बहुत confused हूँ इस पे. क्योंकि इस गाने में बैकग्राउंड में सुरेश सर भी हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को ट्रिविया देना चाहता हूं, जो को खंबा को ऑलरेडी पता है और अनस को भी पता है. I also want to say that you know during this song there's a very एक तो they shot it in 2 days and it was amazing choreography by Ahmed Khan and I who never can dance properly have managed to get the steps right. I was so happy, you know, so I love watching this song again and again. Thank you for playing this year. And I think I'll go with Anas on this song because I could really see him knowing all the words and his eyes were shut during that thing. So yeah, yeah, he smiled also the moment the song. I went into a trance. You know, I'll tell you why I smiled. I smiled because I could see Halki's smile on Khamba's face. And that's why I was like, he's gonna put me against this song. And that's why I was like, no, it's not me. That's why I smiled. मैंने देखा also, मुझे लगा कि वहां पे एड्रेस करने की जरूरत है मुझे. व्हाट्स गोइंग ऑन, आल्सो आई रियली लाइक अनदर इंटरेस्टिंग, आई रियली लाइक द, या श्योर, गो ऑन गो ऑन, इज दैट द फेलो गाय हु वाज देयर इन द गोरिल्ला सूट इन द एंड ऑफ द सॉन्ग, ही डिडंट नो दैट ही हैड टू, एवरीवन हैड टू कोलैप्स. ओके, अदरवाइज सब लोग और शूटिंग का टाइम वेस्ट होने वाला था. सो इट वाज, इट बिकेम सो डेस्परेट, फाइटर वाज देयर इन दैट कॉस्ट्यूम एंड आई लिटरली जंप्ड ऑन हिम, मी एंड सुनील पाल. He bought him down so that we could pack up and go home. One second, Suresh sir, there are too many variables in that sentence. There is a gorilla and there, gorilla is man. There is a Sunil Pal. They are in the same song. Yeah. Why have I not seen this? Oh man, you have not seen this with Himesh.
There's also Akshay Kumar, Sunil Shetty, Paresh Rawal, there's Bipasha Basu. There's a lot of ये कौन सा पिक्चर है सुरेश सर फेरी ओ फिर ओ जो सेकंड ओ आई डिड नॉट नो दिस सॉरी माय बैड आई हैव नॉट सीन द म्यूजिक वीडियो यू हैव टू सी द सॉन्ग बिकॉज़ इट वाज द लास्ट थिंग दैट वी शॉट फॉर द फिल्म बट यू हैव टू सी द सॉन्ग स्पेशली बिकॉज़ ऑफ सच अ लॉट ऑफ पीपल वर लाइक कीकू इज देयर यू नो या कीकू इज देयर ओके कीकू इज आल्सो देयर अमेजिंग सॉन्ग आई एम श्योर कंबा यू आर आल्सो अ लॉट ऑफ पीपल यू आर आल्सो स्टैंडिंग Oh, actually, yeah, there's this guy whose head you cannot see throughout the film. So that is Kamba. Let the secret be out. Yeah, the tall guy. They couldn't fit him in the frame at all. Look, I kept thinking, ye to Himesh ki wave ke kahan pe tha ye? I was just thinking. Because when Himesh peak started 2006, yeah. I will remember I was in Bombay that time. Every auto rickshaw in Bombay was just following woofers on Himesh songs. और नियॉन एलईडी लगाई होती थी उन्हें इट वाज द बेस्ट शिट कार्टर रोड पे मैंने बड़े ऑटो पकड़े हैं ऐसे ये वाला इस टाइप के गाने लगाते हो बड़े मजेदार गाने हैं आई डिड नॉट नो यू वर इन इट वेरी कूल आई थिंक आई जस्ट कैजुअली स्लिप द लिटिल या ही सेड ये वाला गाना सो मेबी बट आई डोंट वांट टू बी रॉन्ग मी एंड गुरलीन वर इन थर्ड स्टैंडर्ड I was in third standard, sixth, seventh. I was in fourth standard. School. It's still okay, way younger. Can we quickly go on to the answers? Oh my god! I like how this is the difference between our explanations. Like her song, ke saath, if it's Suresh sir's song, there's a proper story. Like he was a part of it. There was a gorilla. There's Sunil Pal. Yeah. Our explanation to the song is just ki baj gaya tha ek baar recess mein. Wo sun liya. YouTube pe suggest ho gaya tha to dal. Haan, suggest ho gaya tha ek baar. All right. Gurlin, kiska lagta hai ye gaana kiska hai? I'm very confused. I'm like maybe it's Suresh sir, but it's very confusing. The Suresh sir apna gaana kyun dalenge? Dal bhi sakte hain matlab. Le. Vanity ki to naam hai Bollywood ka. Le. But can be Anas also. But I think it can not, Anas itna obvious bhi nahi hoga ki because agar ya is room mein sirf Suresh sir na hote fir to Anas hi tha. Yeah, that's true. No, I agree. I completely agree. ये तो नहीं है कि सुमित ने हमारे से एक और ट्रिक खेली और ये भी गुरलीन का है तीसरा वाला मैन इतना मेरी प्लेलिस्ट मुझे कोई नहीं हाँ मेरा ही है बोलो बोलो I think this stream is about us judging Gurleen's music choice. I think it's just that. Yeah. It's about it's not play my playlist. मुझे वैसा लगता है इन्होंने मेरा आइडिया कैसे पकड़ लिया Let's again give it something. Okay, दोस्तों you know, Sumit, Suresh sir I'm going with Anas. Okay, Anas sir, you're always going with sir. Bolna, Gurleen. I'm just like अगर सुरेश सर को मैं बोलूँ आपका गाना सर ने कुछ ऐसे defend भी नहीं किया ना खुद को तो मुझे अपना समझ में नहीं आ रहा है. सुरेश सर is very cute, but I think there is some harami pana behind that innocence. I feel there is some. Sir, that's what my wife says always. सर सुरेश सर अभी है ना उन्होंने ऐसे स्ट्रेट फेस रखा हुआ जैसे वो अपना वो लॉल हंसी तो फंसी पे बैठे हुए हो मतलब वो एकदम I should have won I was the first guy who was thrown out I remember I was I entered two contests like this on one was Jalat and one was Hasi to Pasi on LOL on Amazon. Both the times, I don't know why, I was the first guy who was thrown out. I never seem to be winning games like this on TV. Sir, yeah. May I recommend Comicstan Tamil? 100% perfect. Sir, I am Punjabi. I am trying next year. I need breakthrough. Oh, done. Let's go together then. I don't mind. Because Comicstan told me I'm too old for that. And they told me I'm too old to be a judge also on that show. So, oh man, I think this is Suresh sir. I'm gonna go with Suresh sir. Okay, मैं voting ले रहा हूँ. I'm also Kamba, gonna go with the Suresh sir. Okay, Gurleen ने भी vote कर दिया Suresh sir को. Suresh sir आपका vote? Anas. Sir हर बार मेरे को ही कर देते हैं vote की एक तो निकल ही जाएगा मेरा. एक तो आ ही जाएगा कभी ना कभी.
Yeah, Anas, you're funny. I feel, Sumit, this song reeks of a 30-year-old person listening to like a millennial song to connect with the youth better. So I would say Kamba. I would say Kamba for sure. Okay. He's explaining midlife crisis through a song. All right. So, yeah, final words. Kamba ne vote kiya Suresh sir ko. Suresh sir ne vote kiya Anas ko. Gurlin ne vote kiya Suresh sir ko. Aur Anas ne vote kiya Kamba ko. To ye jo gana hai, dosto, ae meri Zohra Zabi, Himesh Rashamya, Firera Feri, is coming from Suresh sir. Yes, Kamba. You are right. I knew it. I knew it. Can I ask you? I was so tempted to tell my own name. You know why? Because I would have got two right. Suresh sir is too innocent for this world. मेरे को तभी पता चल गया था कि कौन है दुनिया में जो सुनील पाल को याद रखता है और पक्का जिसका गाना होता है वही याद रखता है वो. सॉरी पर्सनल मार दिया. नेम मेंशन से मुझे पता लग गया था कि खंबा सर का तो हो ही नहीं सकता. ये तो अच्छा अच्छा था. आई कॉट ऑन सुरेश सर. Not really. So I think I. Anyway, so now I'm not going to give away anything more. But this. No, no. You tell your trivia. Oh, it's nice. Thank God I spoke to Jose after when I started. Anyway, so moving on. नहीं बता दो सर. नहीं नहीं. In the sense कि गाने का choice के लिए फिर मुझे थोड़ा you know थोड़ा आगे बढ़ना था. Millennials से बात करनी थी. You know generation Z तो मुझे help ही नहीं करते घर पे ही हैं लेकिन they don't care. वो हमारी भी नहीं करते सर. वो millennials से भी आगे निकल चुके हैं. तब तो. I think even we are pretty old. We are that 70s 80s guys of no use over here. I think we are not Gen Z. मतलब हम Gen Z नहीं हैं. हम millennials ही तो हैं. कुली नहीं हो millennials नो. I don't know the yeah the difference. Gurleen is just existential. Yeah, that's what she is. दिमाग से मैं Gen Z हूँ वो अलग बात है. Then आगे बढ़ते हैं. All right, दोस्तों ये है अगला गाना. Enjoy. अखियां लड़ी हो लड़ी बीच बाजार दिल मेरा लूट गया पहली बार. Yes, yes, दोस्तों दिल टोटे टोटे हो गया. क्या लगता है किसके प्लेलिस्ट से है ये गाना दिल टोटे टोटे हो गया. हंस राज हंस. फिल्म का नाम है बिच्छू जिनको अगर जानना है तो अब देखो अब मैं बहुत देखो हंसराज हंस ने जिस दिन ये गाना गाया था ना अपने पंजाबी भाषा छोड़ के ये गाना हिंदी में गाया था उसी दिन उन्होंने हिंट दे दिया था कि 10 साल बाद बीजेपी ज्वाइन करेंगे वो. ठीक है तभी पता चल गया था. ये बड़ी सबलिमिनल मैसेजिंग चल रही थी तब से. ठीक है मेरे को तो दिल में दुख होता है कि हंसराज हंस सर को मतलब अपना ही गाने को खराब करके उसी का हिंदी वर्जन करना पड़ रहा है. वेरी बैड वेरी बैड. दैट सेड आई थिंक ये गाना निकला है मोहम्मद अनस के शिवर से. ये है काफी इसके काफी हार्ट ब्रेक्स वगैरह चल रहे हैं पिछले कुछ सालों में. एंड आई थिंक दिस सॉन्ग गिव्स हिम सोलेस एंड इट हेल्प्स हिम फील बेटर एंड ही डज दिस स्टेप आल्सो इन हिज रूम टोटे टोटे जो स्टेप है गाने का. What part of Dil Tote Tote Ho Gaya screams break up to you? I have no, I don't know. What is a little bit of sin now we can break up after bottle of old monk, I guess. Break up here or kya Safola ke ad mein thodi aaya hai gana. What is this? Safola ke ad ke liye it's a great song by the way. Hey, that, just a one good thing, did you mention old monk? That is absolutely fine. I just want to know, you know, how conveniently we divide everybody to Gen Z and all this. But when it comes to Daru, older generation ka Daru hi chalti aaj tak. Rum, my God. I don't drink. I have no idea.
Yeah, even same, I don't same. Know. I just know the name because some comics bolte. It's like a. I know. I can't. Like a general knowledge. Yeah. मैंने वीरदास के स्पेशल में सुना था सर मुझे नहीं पता. Thankfully, I had seen the film. मुझे कुछ आई. Said you shouldn't drink. Plus, I had no idea. I had no idea about Bichu or Hansraj Hans, who's I had idea BJP about Bichu और ये गाना भी मेरे को पता है. It was a big hit. मतलब मैं पर जब ये गाना आया था, I was so young. मतलब तो ये मेरी Who was in this video? I'm trying to gather. So Bobby Deol and so basically ये कोई concert है and then concert पे Hansraj Hans and perform कर yeah. Then maybe that's the day Bobby got the motivation to become DJ Bobby. That is also possible. It could also have been a spark. Interesting. Yeah. Now Khamba sir is asking too many questions. तो मुझे लग रहा है शायद उनका नहीं है कि उनको video के बारे में इतना knowledge नहीं. Pretty confused actually. I'm gonna say Suresh sir because I feel because of the Bichu and everything he was reacting to that. I feel you would know. I'm not very sure, but I would say Suresh sir. Suresh sir, क्या कहना आपको? किसका गाना है? Just for that, you know, when somebody is trying to cover up something, na, they tend to blink their eyes like 3-4 times continuously and also sniffle when giving out something. So I will go with Anas now. Somewhere down, that's custom sketch speaking. That's how I talk. बाहर निकल के आया custom sketch वाला. अपने गन के ऊपर. Yeah. Lie detector. ये बोल भी दिए ना. I think I'll go with Anas on this one. Like I think it's Anas. Khamba, what do you think? एक मिनट मैं कर रहा हूँ assess. Oh no. I think the Anas ही जाते हैं actually. Let's try. I think ho sakta hai. The coffin be saying. So why are you guys ganging up on me? I have no idea. Yeah, because Khamba had more. Actually, I want to change to Khamba. Yeah, I want to change to Khamba. You had mentioned your own name, huh? Khamba. No, just checking. That was a trick question. I want to change to Khamba. Cool. So ye final votes le lete hain. Khamba, your final vote. MD Anas. MD Anas. Okay, Suresh sir, final vote. Anas. Gurleen. Anas. And Anas, your final vote. Khamba. मुझे लग रहा है Gurleen है ये. Okay. आप vote change कर सकते हो sir. नहीं Anas पे try करते हैं, punt मार दिया तो करते हैं. Done. तो सबने vote किया Anas को, सिवाय Anas ने vote किया Khamba को. और ये जो गाना है दोस्तों. Is coming from Muhammad Anas, everybody. Yes. पकड़ा गया लड़का. You monsters. But अच्छा गाना है. It's a great song, but how did you fall? Guess एक ही बार में सबने guess. It's not as bad as दो नंबर, so it's all right. I was actually going with Khamba, but Anas, when you actually, I meant what I said. Your eyes blink twice, thrice, you know. That's just how I generally talk also. No, I feel we spent a whole night together, by the way.
Yeah, sir, you don't have to tell them. Shooting. Yeah. Okay. Weird sentence, but it's okay. Yeah, Anas, कब से ये गाना तुम्हारी प्लेलिस्ट में? हमेशा से दोस्त, मैं तो बहुत सुनता हूँ ये गाना. मेरे को इतना पसंद है ये गाना. मतलब मेरा दिल in a few words, टोटे-टोटे हो जाता है ये गाना. What a beautiful song. क्या बात. DJ Bobby, Lord Bobby just plays, does such a good job with those glasses. I mean, how can you not love this song? This and other song that I will not mention because that is also in the playlist. Oh, so I really love it. This is a trick. He has thrown a love these songs. Yeah. But I've always been listening to this song. I think Gurli must have made a mix of, you know, confusing songs. So let's wait for the next one. Yep. I'm just crossing my fingers. वही दो गाने use हुए हैं और मेरी playlist से कुछ ना निकले. I'm really excited for Suresh sir's songs, by the way, because I can just not tell what kind of music he's into. Exactly. All right, दोस्तों ये अगला गाना. And Khamba sir's playlist as well. Yeah. So, Oh yeah. हम लोग तो यार फंसे पड़े हैं गुरली. हमारे तो बहुत ही obvious होते हैं. ये अगला गाना दोस्तों, enjoy करो. हिमेश की काफी जिक्र हो रही थी ऑन माई सॉन्ग और हिमेश के बारे में काफी जानकारी है. आई नो फॉर अ फैक्ट दैट खंबा स्टिल वंडरिंग हाउ कम हिमेश बिकेम अ सिंगर. A very good one at that. Yeah. Bach gaya. But I feel Khamba is a true cult follower of Himesh. Yeah. ये ऐसा playlist जहर पहले playlist का गाना है जो Khamba सिर्फ भी पहली बारी अपनी playlist में सुन रहे हैं. Yeah. It's the first time. Yes. देखो Himesh का office हमारे office के पास होता था. I remember जब वो peak पे था तो दो एक Himesh का office होता था और anyway वो उस गली में सारे audition होते थे sir. अपना क्या है पब्लिक नहीं दूसरी वाली लेन में महाड़ा में माड़ा. तो वहाँ पे कोई भी सिंगर और ऑडिशन करने वाले लोग कोई भी दरवाजा खोल के घुस जाता था वहाँ पे वो वाला सीन होता था. तो आई हैव वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ वन्नबी हिमेश इन द कैप्स. और कंपा क्या लगता है आपको किसका गाना ये? यार ये मेरा ही है मैं मान ही रहता हूँ. इसमें तो मतलब मैं डिफ्लेक्ट भी नहीं कर पाऊंगा. तो यू हैव टू गिव द पॉइंट्स टू मी ब्रो. यू हैव टू गिव. देखो आई कांट गिव पॉइंट्स एनीबॉडी. ये गाना रिजेक्ट कर रहा हूँ मैं. मत बोलो यार ऐसे. मेरा गाना है डिफेक्ट तो करो. ओ यू हैव टू डिफेंड ना कि हां भाई दैट्स देखो पहली बार गेम खेल रहा था तुम्हें तो आई कोई बात नहीं शुड बी क्या ये कंफर्म कर देना डिवाइडेड. Yeah, not divided. कोई बात नहीं. From your देखो मैं लेकिन ये एक अंक खत्म कम कर देंगे हम. देखो मैं ये चीज जरूर बोलूंगा कि जब मेरे को रियलाइज हुआ कि उसने ना एक प्रोमो डाला था इंस्टा पे सिर्फ एक आई थिंक टोपी बनी हुई थी तो मैं बहुत एक्साइट हो गया क्योंकि वो मेरे को अपने ऑफिस के दिन याद आ गए. मैंने कहा ओह फक एंड देन ही प्रमोटेड इट आल्सो लाइक दैट वेयर थर्ड स्टूडियो एल्बम. Right, so I was like, fuck, like, you know, जैसे अपना अभी Kanye West आया कि मैं इतने सालों बाद डोंडा निकाली है मैंने, है ना, तो 5 साल. तो जैसे हिमेश इज डोंडा,
okay, you need to understand the stakes behind this fucking album. तो उसके बाद सुमित एक काम करेगा क्या, जस्ट ओपनिंग प्ले करेगा क्या इस गाने की? I'll tell you why I love this song. Just 30 seconds. नहीं, ये originally. I actually love this song. I'll tell you why. I'll tell you why. Let Sumit play it 15 seconds. Yeah. ये तूने कुछ ओशन वेव्स लगा दिया है? नहीं नहीं, उसी दिस इज फॉर स्लीपिंग, दिस इज रिलैक्सिंग म्यूजिक फॉर स्लीपिंग. यू प्ले दिस इज द ऑपोजिट ऑफ हिमेश. दिस इज हिमेश, दिस इज द काम बिफोर द स्टॉर्म. या या सुरु 2021 द एल्बम. हां हां, पढ़ के ही बना टाइटल सॉन्ग. ये था क्या? यही था. हां सो हां सो दिस था रे. जो मैंने भेजा है ये नहीं है, ये नहीं है. सेम लिंक ओनली. ओके ओके ओके, फक इट. इवन इफ यू लुक एट दिस सॉन्ग, ठीक है, इट स्टार्टेड विद 30 सेकंड्स ऑफ स्पेनिश गिटार, ठीक है, क्योंकि उसको लगा कि मैं कार्लोस सैंटाना बनूंगा. उसके बाद सडनली उसको याद आया कि भैंसुर में तो हिमेश हूं, तो वो सडनली नाक पे वापस उतर गया. मतलब कोई और म्यूजिशियन है कि दो मिनट के अंदर चार अलग कैटेगरी ले जाए गाने की? मतलब इतना कॉन्फिडेंस, और वो प्रमोट भी कर दिया टाइटल ट्रैक इन द थर्ड स्टूडियो एल्बम. कान्ये की गांड में दम नहीं है इतना, विच इज व्हाई आई लव द मैन. मतलब बचाता से बिल्कुल विसर्जन तक, बिल्कुल ऑल एपिक. नाइस. तो हिमेश का ये आपने बट यही भेजा था ना, 2021 ही भेजा था ना, 2021 का टाइटल ट्रैक. चलो दोस्तों, इसी बात पे अगला गाना सुनते हैं, ठीक है. मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ. गाने में ही जो है उम्र तकाना चल रहा है. क्या रखा है और इस दिल में, क्या रखा है तेरा ही दर्द छुपा रखा है. तेरा ही दर्द छुपा रखा है, चीर के देखे दिल मेरा तो. यस दोस्तों, और इस दिल में क्या रखा है? इट्स मी, आई एम जस्ट गोइंग टू से इट, इट्स मी. हां या या, गुड इन से लाइक द वेब बिकॉज़ इट्स अ रियली ओल्ड सॉन्ग. Wow, that's very judgmental of you. First that's of all, very, that's very ageist. We are judging people's playlists. That's very ageist, and I am also gonna say Suresh sir. And I was going to say Anas, because the moment he started playing, I was looking at Anas, and he almost said, you know, ek, oh, it can be Anas also, like. प्यार हो गया वो तो डांस बार में काफी बचता था दोस्त जैसे में. दिस वाज द वन ऑफ द डांस बार फेवरेट म्यूजिक. कैन बी अनस बिकॉज़ ही कैन, मतलब ही कैन थिंक के मैं. सो माय पर्सनालिटी ऑन दिस होल स्ट्रीम इज बेसिकली ब्रेकअप्स एंड डांस बार. आई लव दैट. सुरेश सर आप थे इस मूवी में? इन दिस मूवी आई कैन प्राउडली से इफ आई वाज देयर आई वाज अ चाइल्ड आर्टिस्ट. दिस इज लाइक अ मूवी वेयर संजय दत्त एंड जयप्रदा आर देयर. Jayaprada, I know. Sanjay Dutt also, I know. I think this is Anas's song.
Even though emotionally I was leaning towards Suresh sir because of my inherent ageism, I think it is the kind of song that, you know, कुछ कुछ गाने होते हैं जो घर में पेरेंट्स के फेवरेट होते हैं और पीछे रेडियो पे चल रहे होते हैं और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता पर सुनने का, ऐसे बहुत टिक जाते हैं गाने दिमाग में. तो मुझे लगता है ये उस टाइप का गाना है. और जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, अनस का एक चल ही रहा है हार्ट ब्रेक 2-3 साल से, तो आई थिंक वो हो रहा है. आई थिंक ये आई थिंक दिस इज अनस टेरिटरी. सर हमारा हमारा होस्ट उड़ गया था फॉर अ सेकंड, इतना उसको बेकार लगा गाना. इट वाज लाइक आई स्वेयर दिस इज बुरी दलीलें, इसलिए ये लोग खुद ही बता दे रहे हैं किसका गाना है, क्या कर रहे हैं. नहीं मुझे लगता नहीं नहीं दोस्तों, आई थिंक सुमित, पर ये सच में काफी दुख दर्द वाला गाना है. मतलब ये इस गाने के साथ आपको कीटो लिंक आ जाना चाहिए ऑटोमेटिकली साथ में कि मतलब कि हेल्प कर दो आप, डोनेट मतलब साथ में आना चाहिए. आई एम इवन शॉक्ड टू हियर दिस सॉन्ग ऑन दिस फोरम बाय द वे. Generally, because I don't think any one of you are the guys like who can listen to this song. So that's why I chose it, Mohammed Anas, because I thought Anas is quite, you know, he also thoda emotional bhi ho gaya start mein gaana shuru hote. You know, so then breakups and all that, thoda andar se dard dikh raha tha. And then I thought, Andy, Gurleen, then I said, Gurleen bhi ho sakti hai because girls, you know, normally they love songs. It's all songs. But then I realized today's kids are not bothered about such songs, especially, you know, I ask some people, how do you, you know, romance a person? It's all WhatsApp. No longer these beautiful songs playing out of a radio somewhere and looking into each other's eyes and, you know, all those days are gone. It's a really beautiful song, no? Yeah, see, Anas. But Suresh sir, people and... People at that time had to look into each other's eyes listening to radio because they didn't have anything else to do. Matlab, kya karega aadmi? I'm very happy that I went through those days. I really don't regret. That beautiful feeling that nobody can ever take. ऐसी बात नहीं है. आपको हमने सुनाया ना हमारा रोमांस वाला भी सुरूर में आपको दिखाया हमने अलग शेड्स ऑफ लव. ऐसे लग रहा था कि एक दूसरे को मशीन गन मार रहे हो. पर ये आपकी तरफ से डिफ्लेक्शन भी अच्छी आ रही है. बुक्स लैंग्वेज दैट ही स्पोक व्हेन वी वर टॉकिंग जनरली ऑफ कैमरा व्हेन वी आर शूटिंग टुगेदर. आई नो दैट यू द वर्ड्स मीन अ लॉट टू हिम. Very dust जम रही है उनपे. वो मैंने सिर्फ इसलिए लगाई ताकि स्ट्रीम्स में ऐसा लगे कि मैं पढ़ता लिखता हूँ. सब पे डस्ट जम रही है. आज तक नहीं निकली वो, बहुत टाइम हो गया. I can see Hulk. अरे बुक्स दिखा दिखा के तो काम ले रहा है. Yeah. Oh, nice. What? I'm a deep person. I'm a good type. That is true. That is true. That's what the shirt is for. That's what the shirt is for. Ah, the shirt also. देख के ऐसे लग रहा है. बट आई थिंक इसके दिल में दर्द छुपा है सुमित. या है वोट ले लेते हैं दोस्तों. काफी डिस्कशन हो गया. खंबा इज स्टिल एनालाइजिंग. लोगों के चेहरे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. गुरलीन क्या लगता है आपको? आई एम कंफ्यूज्ड बिटवीन अनस एंड सुरेश सर. आई एम गोइंग टू से सुरेश सर. मैं एजिस्ट का टैग ले लेती हूं. Okay. I feel it, Kamba, but I'm gonna say Suresh sir. I'm shocked to hear this song on this forum, and I'm sure the only guy who would have had the taste also for something like that is Anas. So you know, you're shocked to hear this song because you forgot to delete it from your playlist when you finally sent it. That's why. I think now it can be Anas also. 100% it is Anas. I think 100% it is Anas. I want to change my answer now. Yeah. देखो अनस इज अ मैन ऑफ कल्चर. आई कैन हियर अ सॉन्ग प्लेइंग इन हिज माइंड राइट नाउ. तेरा दर्द छुपा. आई फील दिस इज द काइंड ऑफ सॉन्ग ही सिंग्स आयरोनिकली इन द मॉर्निंग. आई फील दिस इज दैट काइंड ऑफ सॉन्ग वेयर ही रोल्स हिज आर्स. Sumit, meanwhile, is gone from his own stream to check for better guests. No. Just texting other people. जो मुझसे भी बात करते हैं. At least better playlist. मेरे कैमरे में इशू है दोस्तों, अब ठीक कर दिया मैंने भी. हाँ, ठीक है. तो क्या
आपको क्या लगता है एक ब्रांड स्पॉन्सर कैमरे वाला भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? मैं बिल्कुल बिल्कुल ट्राई करूंगा, जितने भी सोनी अगर देख रहे हैं तो कैनन सोनी जो भी हैं कोई भी सुमित या सुमित आई एम गोना से या माय फाइनल वोट इज सुरेश सर एंड एवरीबॉडी एल्स आई थिंक इज वोटिंग फॉर मी आंसर चेंज इट्स अ बैड आईडिया या गुल्ली नाउ ही सेड लाइक आई एम सो okay, I'll not change my answer. Okay, I'll say Suresh sir. Okay. I'm also saying Suresh sir. I'm still going to go with MD Anas. MD Anas. All right. Managing director. तो ये है फाइनल वोट्स दोस्तों. खम्बा ने वोट किया अनस को, सुरेश सर ने वोट किया अनस को, गुरली ने वोट किया सुरेश सर को और अनस ने वोट किया खम्बा को. तो ये जो गाना आ रहा है दोस्तों, I voted for सुरेश सर. सुरेश सर, ओके. अनस ने वोट किया सुरेश सर. वोट नहीं कर सकते ना. ऑल राइट. सो ये जो गाना है दोस्तों, और इस दिल में क्या रखा है, इज कमिंग फ्रॉम सुरेश मेनन सर. यस. और damn it, damn it, what a good performance. Oh, I should have known that Anas is not a man of culture. No, no, this song, this song, damn it. Actually, there's a little bit. Anas is dil tote tote level only. You know, it was. Yeah, Suresh sir. So Anas in some other era when you had broken hearts, so this was a go-to song that time. And yes, it was one song which played throughout my life for quite some time, because you know, yeah, when our romances were much more different, much more poetic, more writing involved in it, and it was weird. But when someone lost somebody, it used to come as a shock. And this was the song which was my go-to song that time for seeking solace and some little bit of, you know, hidden tears there on the corner. That used to happen listening to this song, but it was wow, man. So yeah, it is there on my playlist. It will never be erased. Nice. Sir, this great is story. Such a cute. I think story. This is the difference. This is the difference. So Suresh sir ka kafi sweet hai. Khamba's generation removed their DPs, and our generation is more WhatsApp memes. Status. I think. Yeah, WhatsApp status WhatsApp memes. WhatsApp status memes. Wo wala nahi hota jisme toot 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 dono ke piche shayari lagi hoti hai ek. Wo hamari. खंबा आपने लास्ट में चेंज कर लिया वोट. डू यू थिंक यू हैव टू, ऐसा मन से कर रहा था एंड देन यू चेंज्ड? नहीं नहीं, मुझे लग रहा, मेरे को एक्चुअली लग रहा था कि सुरेश सर इतने ऑब्वियस नहीं जाएंगे, पर ठीक है. Maybe yeah, I should. Actually, it's a fun part. It's a fun part is I actually thought ki the moment I put this song on, everybody is going to easily guess it's me. I knew it, but then I could not give a tribute to this song by playing it on, you know, over here. So I had to put this song. I'm sorry, but nice, yeah. Nice. Lovely. Love this song. It's a beautiful song. He is a man of culture for sure. Yeah, bilkul. Kitni sharabe piye hain aapne is gaane ke saath? Oh, it very sadly, I'm a very late. I was introduced to drinking very late in my life. Like right late. After you did that gorilla song, I imagine you were introduced. Oh, that well. No? You had to hang out with Sunil Pal. There was no other way. actually, Sunil Pal, B, Rajiv Srivastava, lot of actors, Amit Bistri, whom we lost last year, this year. In fact, all of us did some great shows together. T-Time Manoranjan, which was India's first version. That was nice. Yeah, whose line is it anyway? So, yeah. Oh yeah, yeah. And sometimes driving back home in a cab, especially, you know, from famous studio Mahalakshmi all the way back to Seven Bangalores. And listening to this song playing out of the speakers in the car, in the cab was, it was like a bonus. Ab Sumit iska koi meme banayega ki between Tea Time Manoranjan and Bacardi Shuffle, we all grew up. Aise karke kuch. Aise karke kuch banega iska. Chalo dosto, agla gaana enjoy karte hain. Let's go to the next song. Yes. All right. Yeah. All right. ठेकिया ते नित खड़के ठेकिया ते नित खड़के खड़के गलासी तेरे ना ते नी ठेकिया ते नित खड़के खड़के गलासी तेरे ना ते नी मुंडे अज नित खड़के खड़के गंडासी तेरे ना ते नी मुंडे अज नित खड़के खड़के गलासी तेरे ना ते Honey Singh.
Yes, दोस्तों मुझे तो यो हनी सिंह लिरिक्स पे लिरिक्स इतने फुद्दू मैंने ध्यान नहीं दिया कभी. वो कह रहा है कि नाम तेरा छोटा करके लिखा लूंगा अपने बाजू पे, मतलब he doesn't even give enough of a fuck about the girl. पूरा कि पूरा नाम भी नहीं लिखना है, इनिशियल लिख दूंगा, इतना प्यार है मुझे. What the fuck is this song? It must have that's a breakup strategy. Yeah, like Deepika had an issue, na? I didn't go there. Yeah, I didn't mention with Deepika. Who Deepika? Who? What is Deepika? That's who? The real question. Oh yeah, moving on. The obvious answer for this was Khamba sir, but then he said that lyrics पर मैं ध्यान नहीं दिया तो मेरे दिमाग में, क्योंकि सुरेश सर तो मुझे नहीं लगता इतना जानते हैं. हो सकता है सुरेश सर भी हिट तो बहुत था ये गाना, बट बट गुरलीन मोर देन अ पंजाबी सॉन्ग, इट्स अ अल्कोहल सॉन्ग, सो इट कैन स्टिल फिट ऑन सुरेश सर. दो इट इज दो MDNS भी गान फाड़ रहा है तो वो भी हो सकता है. I like the song, not gonna lie, because suna to obviously sabne, it's a very popular song. But obviously kyunki Punjabi to mujhe bilkul bhi nahi samajh aati. Genuinely, when you said the naam tera chota karke likhwa de, then it hit me ki, oh yeah, that's what it's supposed to mean. And he didn't say ki main likhwaunga, it's like sare ladke likhwa rahe chota karke, like trend set kar liya. Was that what it said, Gurleen? जब सारे एक दूसरे के नाम लिखते थे एक दूसरे के ऊपर इनिशियल्स, स्केच डे, व्हाट अ डमैस कॉन्सेप्ट. वी आल्सो यूज्ड टू डेडिकेट सॉन्ग्स वेयर यू नो सम किड वर. I got a very intelligent guess. I think it's one amongst the three of y'all. Oh, that is true. Yeah. That is true. That's the... And I go with... I would say... Yeah, go on. Gurleen, I think Gurleen, because Gurleen, if you write about the last moment making the list, then Hani Singh would be a very natural transition into coming on the list. This is Hani Singh before the yo-yo, sir. This is OG Hani Singh. This is, I think, his first song. This song. Yeah. I might be wrong, but I think. Yes. When he was more into. मैंने Dope Shop वगैरह वो सब सुना है. मतलब that whole album I know. Which so, album? Which album? Heard Dope Shop तो फिर. Dope Shop वाला album. No, सुना तो है मैंने गाना. मतलब गाना तो मुझे पता ही है. But it wouldn't be you, na? Who is put there? It can be him. I think it can be. I think it's. He's blinking not right now. The last Gana. I think it's Gurleen. I'm going to go with Gurleen. Okay. It's either Gurleen or Khamba, I'm damn sure, because Khamba had the first insight for the song. It was not an insight. I was just reacting to the lyric. That was not insight. Yeah, that's a, it's whatever I had. See, I'll go with Gurleen. I'm going to go with the Khamba, sir. Okay. I'm also going to go with Khamba. Khamba is my final guess. I'm going with Gurleen. Gonna get you, Khamba. Sorry, sir. आपको क्या लगता है Gurleen? Gurleen. Khamba. मुझे भी Gurleen के zone में ज़्यादा लग रहा है. Gurleen या Anas में से एक है. I think Gurleen. काफी देर हो गई उसका गाना भी नहीं आया. But I'm not. मैं आपको Gurleen पेश नहीं करना चाहूँगी. बस इतना कह सकती हूँ आंसर बदल सकते हैं आप लोग. मैं भी क्या Gurleen पेश करूँ. I don't see smile. मैं हनी सिंह कितनी बड़ी फैन बनी हूँ. अभी कुछ देर पहले ही हनी सिंह का गाना तेरा ही पकड़ा गया था गुडली. I mean, कितना कौन सा वो वाला दो नंबर वाला वाज नॉट हनी सिंह. नहीं, इट्स बिलाल सईद एंड सॉरी सर. आई गो विद गुडली. ओके, तो खंबा ने वोट किया गुरलीन को, सुरेश सर ने वोट किया गुरलीन को, गुरलीन ने वोट किया खंबा को, और अनस ने भी वोट किया खंबा को.
Yeah. All right. So ये जो गाना है दोस्तों Glassy is coming from Mohammed Anas, everybody. Yes, this is well played. I can't do it. From Mohammed Anas, और उसे किसी ने नहीं पकड़ा. सोच रहा था मैं. Sir, I wasn't looking at Anas. Sir, I couldn't. I wasn't stare. I wasn't looking at Anas. I was so staring into your dreamy eyes. So I could not focus on MD Anas. But well played. I appreciate. Well played. Anas, पूरे 10 पॉइंट मिलते हैं आपको. किसी ने नहीं पकड़ा. Thank you, Sumit. Yes. बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत अच्छा लग रहा है आपके पास. कितने दिन से आप रहे? क्या स्टोरी है इस गाने के पीछे Glassy? हाँ. तो हम लोग जब छोटे होते थे जब खंबा वाज 40 बैक देन यू नो तब की बात है दिस वाज लाइक 2007 टू 2010 वाला टाइम व्हेन वी हैड जस्ट गॉट दोस चाइनीज फोन्स जिनमें मल्टीमीडिया आ जाता था सो व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज हम डाउनलोड वाले की दुकान पे जाते थे और वो सेट लिस्ट देता था 10 गानों की वो देता था 10 इंग्लिश गाने उसमें 5 पंजाबी गाने होते थे 5 एक्चुअल इंग्लिश होते थे और फनी वीडियोज होती थी Like scenes from random movies and this all of that. So this was a part of that whole package. So that's why I remember this song. और वो दसी गाने तो बार-बार वही सुने जा रहे हैं. That's why I really ended up liking it. Just that. Nice. But it's a great song. तेरे को घर वालों ने थपड़ाल नहीं करी ऐसे कि शराबों वाले गाने गा रहा घर के अंदर? नहीं उनके सामने नहीं सुनता था ना मम्मी. I had earphones back then. You just It was either It was either Akon or this song. Akon बहुत सुनते थे उस time और ये. I have a Akon story. I went to watch a basketball game in the US once and मेरी आगे वाली seat पे Akon बैठा होता और उसे कोई भाव नहीं दे रहा था तो मेरा बड़ा मन कर रहा था ऐसे बस lonely करने का but मेरे अंदर से निकला ही नहीं कभी. But did you know Akon has his own Did you know Akon has his own currency called A-Coin? Which he uses that's in his own country. You did not hilarious. Know this. You should Google A-Coin. तुम्हारा दिमाग खराब है. अपनी कंट्री में वो अपने ही नाम की करेंसी को मेन करेंसी करने की कोशिश कर रहा है और आप ऐसे मोदी जी का मजाक उड़ाते हैं डिमोनेटाइजेशन पे बताओ अरे आपको क्लासिक लिबरांडूस के बारे में नहीं सुना दैट मींस ऑल राइट दोस्तों काफी अच्छा खेला अनस ने दो सुपर चैट है बहुत अच्छे अच्छे सुपर चैट में पढ़ देना चाहता हूँ मृणालिनी सिंह कहती है सुरेश सर तो हर स्ट्रीम में 4 चांद लगा देते हैं क्या टैलेंट है व्हाट एन पैनल सुमित पांचवा चांद भी लगा दिया व्हाट अ वाओ व्हाट एन इंटरेस्टिंग पैनल टुडे थैंक यू मृणालिनी पीयूष ने कहा है दिस इज फॉर खंबा प्लीज वापस आ जाओ कॉन्टेंट बनाने अरे अभी शो बनाया सोनी लिव पे मजाक है क्या एक तो ये बेशरम बच्चे जो सिर्फ रील को कंटेंट बोलते हैं 6 महीने लगे लिखते लिखते पिक्चर लिख ली बेच दी एक और अभी आ रहा है और बच्चे बोल रहे हैं कंटेंट नहीं बन रहा है अबे मर गया हूं मैं लिख लिख के 2 साल से बेशरम इसको क्लिप को काट के डालो तुम प्लीज सुमित प्रमोशन चलो the, चलो कोई बात नहीं दोस्तों चलो कोई बात नहीं स्ट्रीमिंग ऑन सोनी लाइव गाइस कंटेंट ही कंटेंट है जाकर देखो अबे सोनी लिव तो बोल ले सोनी लिव बोला मैंने सोनी लाइव बोला ओ सोनी लिव ना हाँ सोनी लिव ही बोला मैंने सोनी लिव ओके सुमित आई हैव बीन वाचिंग खंबा सिंस 2010 एंड 11 नाउ बट दिस इज द मोस्ट इमोशनल दैट आई हैव सीन इट आगे बढ़े यार गाने सुने यार प्लीज ये तो चाह रहा है एंजॉय करो दोस्तों जवानी मेरी रंगली जवानी मेरी रंगली
दोस्तों द सॉन्ग इज द यमला मेडले. क्या लगता है दोस्तों किसके प्लेलिस्ट आ रहा है? खंबा ने कह दिया गुरली. व्हाई आई एम एन ऑब्वियस चॉइस बिकॉज़ बहुत लाइक पंजाबी पुराना गाना है ऑब्वियसली, बट द बीट इज वेरी अर्बन एंड न्यू, सो आई गेस ये गाना कहीं ना कहीं यूट्यूब सजेशन पे किसी ने पकड़ा है. तो मेरे हिसाब से अनस भी हो सकता है, मेरे हिसाब से खंबा सर भी हो सकते हैं, क्योंकि नहीं आई नो द सॉन्ग. I know the song. I really like the song. I don't know the song. This is the first time that I'm hearing the song. Not heard this version of the song. So, मेरको भी नहीं पता इस गाने के बारे में. सुरेश सर क्या लगता है? सुरेश सर बिल्कुल ही चुप. ये मैंने बहुत बार सुन चुका हूँ. मुझे सुरेश सर भी लगता है. सुरेश सर कह रहे हैं बहुत बार ही सुन चुका. सुरेश सर अनस ने सुरेश सर सुरेश सर मेरे रिकॉर्डिंग रूम में था. सुरेश सर क्या आपको क्या लगा कि क्या कहना चाह रहा था जो हमारा ये एक्चुअली ट्रिब्यूट दे रहे थे डायरेक्टर एंगली को, बाद में मुझे काफी इंटरेस्टिंग बहुत ही बढ़िया गाना एंड नाइस नाइस गाने के जरिए थे कि हाउ बॉलीवुड डायरेक्टर्स को भी हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं. You're talking about yourself. You are my Punjabi. Actually, Anas bhi ho sakta hai. I'll tell you why. Agar iska pichla glassy na hota na, to main maan leta ki Gurleen hai. But iska glassy bhi nikla hai, which is actually a very, very, very Punjabi, not so much mainstream. Yeah. So, uska bhi tak remake nahi bana, so uska bhi tak remake. Like I would say. So Glassy is an extremely popular song. This might be popular, but I have not heard of this song. Like this is the first time I've been hearing of this song. That's why I've also not heard of it. So it's not that popular. Suresh sir is not convinced. I'm now thinking I should change to Anas because last time also he said I've not heard this song before and they turned out that. मैं पंजाबी नहीं जानता and all. मैंने ये नहीं कहा था, मैंने सुना नहीं. मैंने कहा था पंजाबी नहीं जानता. पर पंजाबी अभी भी नहीं आती. Still gonna maintain that. But ये तो गाना भी नहीं सुना. Six times your eyes blinked when you were talking previously. Now it didn't blink. So consciously you didn't blink it. So yeah, please vote for me. And let's find out. Let's find out, Suresh sir. You can vote for me and find out. Want to do it? Beautiful eyes. Oh, sorry. What? Stop it. Nahin, I think I'm leaning towards Anas more than. I also think it's Anas maybe, but I'm also confused between Anas and Khumbha. Suresh sir, what do you think? I think the most innocent person amongst all of us is Gurleen, and she's finding it tough to really hide that, you know, she was chosen the song. Haan, matlab she's cracking up also, but at the same time, but Anas is also. But I love how this is about me and Gurleen now, because it easily could mean that Khumbha is deflecting this. सुरेश
सुरेश सर मजे आ जाएंगे। आई सोऊंगा नहीं आज। I expect Suresh sir to actually find some tribute to Ang Lee and play it now. What the fuck? Then we want a reel on this song, Suresh sir, if it's your song. Oh no. Actually, Suresh sir, फिर भी बना सकते हैं. I think if it's Khamba's song, Khamba should make a reel on this. That's the challenge. Because Khamba doesn't like reels at all. You know why Anas is asking me this? Because मैंने उसको पूछा था, कैसे बना सकते हैं? हमने दोनों ने बोला कि हाँ ऐसे ऐसे कर सकते हैं, कम्बा लाइक ये तो रील है, ये स्केच नहीं है, ये तो रील है। अरे बट दैट इज नॉट बेस्टी, दैट इज मोर सम आइडियाज आर बेटर टू शॉर्ट फिल्म, सम आइडियाज आर बेटर टू लॉन्ग, विच इज सिमिलर, सम आर बेटर सुटेड टू रील्स एंड सम आर बेटर फॉर स्केच। No, what that's exactly what he meant. Yeah, that's Suresh exactly sir, what you meant. Suresh sir is talking as if unhone teen video kaat ke nahi rakhe hue jiski lip syncing karenge kal wo dubbing. Yeah, yeah, no, already karna hai. After you finish our live stream, I'm going to be doing one more for today's match, which I decided to put up after every match. I'm going to do some content, because if I don't put content out there, nobody knows me anymore. It's scary shit, man, for an actor. सर अभी वो एक कोट वायरल हो रहा है ना इंस्टा पे कि समटाइम्स यू शुड जस्ट डिसअपीयर, वही सब इंस्टा पे वही डाल रहे हैं, जो 50 थी रील डालने के बाद 51 इज समटाइम्स यू शुड डिसअपीयर बिकॉज़ आई एम कंटेंट नहीं सुन रहा, सो आई एम सीइंग हाउ लॉन्ग आई कैन मेंटेन दिस, सो अभी देखता हूं, इट्स अ चैलेंज। आज मैंने एक रील भी डाल दिया ऑन दैट श्रीलंकन सॉन्ग, आई फाउंड अ सुपर बेवड़ा डांसिंग एंड आई पुट दैट सॉन्ग ओवर दैट टू is looking fabulous, I'm pleased with myself. But what all you do in one day? I'm shocked. Like what? I also had a meeting today, work meeting also. I also did an audition. So what do you ate for lunch? Now I'm just like asking this. No, now day to day. Actually, when you grow older, the stomach shrinks, so you eat lesser. Okay. Murleen, what did you do today? I think we should. I can't relate. Let's talk about. Vote करते हैं दोस्तों, vote करते हैं। I will start with Anas. What do you think? किसका गाना लग रहा है? I want to say Khamba. Khamba. Okay. Gurleen. I will say Anas. Anas. Okay. Oh, it's Gurleen, man. Anas का नाम लेते ही blink किया उसने. So I. It's Gurleen for sure. Anas, but mind is saying Gurleen. I'm quite blinking now. Okay. Anas. I'm also debating between Anas. Sir, it's Khamba. I also think either Anas or Gurleen. I think I'll still go with Gurleen. Okay. Khamba, your final vote? I will also go with Gurleen. It's too Punjabi. Okay. So these are the final votes, दोस्तों. Khamba ने वोट किया गुरलीन को, सुरेश सर ने वोट किया गुरलीन को, गुरलीन ने वोट किया अनस को, और अनस ने वोट किया खंबा को. तो ये जो गाना है दोस्तों, वो आ रहा है सीधे खंबा की प्लेलिस्ट से, और ये पॉइंट मिलता है अनस को. अनस को पूरे 10 पॉइंट मिलते हैं फिर से. I think मैच फिक्स्ड है. अरे मुझे भी मैच फिक्सिंग लग रही है सर. नहीं बट he was so like confident ki maine suna hua and all, like so I was like oh damn. Haan suna hua kyunki meri playlist pe hai to main kafi sunta hu. So bahut obvious ho gaya mere liye. It's a medley, such a good. See this is the thing na, itne sare sketches, itna sara kaam kiya hua, acting itni achhi aati hai, acting main. yeah haan spoken. Amma, you're a great actor, please. Yes, as I have done in so many things. I was watching one sketch, AIB ka sketch hai, how to write sketches. I think it's a sketch or it's a tutorial. Usme Khamba sir ki acting dekhe aap. Oh, this for comedy, aren't you? ये पक्का YouTube ने पैसे, वो YouTube ने पैसे दिए होंगे तब जलील होने के तो करना पड़ा होगा. This is Comedy Hunt video, I think. Comedy Hunt होगा. हाँ. No, yeah, Comedy Hunt to tutorials. Tutorials were fun actually. They were quite fun to do. Yeah. Comedy Hunt tutorials. It was a very informative video. That was a while ago. It was nice. I know, because as a person who just came out of school, I applied for Comedy Hunt. It's pretty nice. पहली राउंड में रिजेक्ट हो गए थे हम सब. It's beautiful. 5 of us applied.
पता है कॉमेडी हंट पे और कौन था टॉप फाइव में जो हो नहीं पाया थे? भुवन और आशीष चंचलानी. कॉमेडी हंट में मैंने भी अप्लाई किया था दोस्तों. अच्छा सॉरी यस मुझे बताइए ये क्या चीज है, मैं भी अप्लाई करना चाहूंगी. सॉरी ये फिर 5 इयर्स टू लेट गुरलीन बट सॉरी सुरेश सर सॉरी हम थोड़ा वो प्लीज प्लीज क्या मुझे बड़ा मजा आ रहा है एज अ प्रोड्यूसर कॉमेडियन स्ट्रगल्स. नो नो सी यू आर लकी यू गॉट सो मेनी सो मच मोर प्लेटफॉर्म्स हमारे टाइम पे बाय गॉड we just had films and television shows to go and try and get those things in under a belt and say that we are at least working. Oh my god, the number of the rejections were very different than what you all must have faced. At least there's usually some executive coming and saying listen, we really like what you did but unfortunately you know the channel things, that's how they'll talk apne time pe hey chal bahar nikal. Yeah, so it was more heartbreaking. But today they give it with sugar coated pills. Like now I'm used to it again. So now they're saying, sir, actually you're damn good. We know, but we can't use, you know, all the gags. I think I said that to you. Yeah. Yeah. Sorry. Sorry, sorry, sir. I had budgetary constraints. I couldn't resist. Sorry. No, my most common rejection point nowadays is, sir, you don't have too much. I have a lot of following in Instagram. You must put more videos up on Insta. I lost sort of 5-6 ads on because of Instagram, and I found my friends and colleagues doing the same ad. Like, if they had to choose Cyrus, I would have danced better with a peacock feather. You know. All right, come back. Who's winning? Anas जीत रहा है क्या? Anas जीत. Anas को पूरे 10 पॉइंट मिले क्योंकि उसने पकड़ लिया इतनी अच्छी एक्टिंग के बाद भी. तीन दो लोग तो डिफ्लेक्ट हो गए, but Anas was very sure. Damn it. Yeah. What's the story behind this? I have worked too much with him now in the last 1 year. Yeah, so Anas knows. Anas knows. Yeah, yeah. Nice. Anas पता था ये आ रहा है? You just no. Saw. No song, I didn't know, but Khamba is right. I've worked too much with him. So I'm like, okay, this is a nice Punjabi song. Like it's the kind of song who he would not refuse is his. It's not a guilty pleasure song. It's like a nice, good this thing. So I felt, मेरे actually guilty pleasure हैं थोड़े, but एक तो conflict ही हो गया था. मैंने तो सुमित को बोला message करके. मैंने कहा एक तो आधे पंजाबी हैं और you know तो फिर कैसे mix करेंगे? गुरलीन और मेरे के बीच में रह जाएगा फिर तो. फिर मैंने लेकिन स्ट्रेटेजिकली खेला नहीं, मैं डाल देता बीच में एक मल्लू गाना वगैरह सुरेश सर पे डिफ्लेक्ट करने के लिए. मैंने भी नहीं ऐसे सोचा. आई आल्सो थॉट ऑफ पुटिंग पंजाबी सॉन्ग ज्यादा, बट फिर आई वाज लाइक के शायद सबको नहीं समझ में आएंगे सुनने ना. नहीं तो पंजाबी सेम स्ट्रेटेजी गाइस सेम. या बहुत पंजाबी गाने डाले नहीं मैंने इसलिए. मेरा स्ट्रेटेजी गुड स्ट्रेटेजी थैंक्स टू ओजे. नाइस दोस्तों, काफी अच्छा खेल रहे हो आप लोग, अच्छी स्टोरी और अनस बहुत ही अच्छा खेलते हैं. 10 पॉइंट आपको मिलते हैं. हे थैंक्स सो मच. इसी के साथ अगला, आप अकेले हैं जिनको दो बार 10 मिला है, तो आई एम अगेन रिपीटिंग दैट. दैट्स राइट. एंड खंबा काफी अच्छी एक्टिंग, आगे भी हम देखना चाहेंगे ऐसा ही. अगला गाना सुने. Yes, दोस्तों, दिल गार्डन गार्डन. सुरेश, can I start, Sumit, please?
What? Thank you, Sumit. Can I please start? I was just asking. Thank yeah, you. Yeah, 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 yeah. For the platform. So I remember Mr. Menon was in this movie. And just by that, by virtue of that, I would like to point out that it's Mr. Menon's song. What movie is this? Crazy Four? This is Kya Super Cool Hai. Kya Super Cool Hai. Kya Super Cool Hai. Oh, I've not seen that. Oh, you were not there in the movie? I almost made it to the movie, but a little bit of fact, I think Sangeet Sivan directed this. The first one, Super Cool Hai Hum. The second one, I think it was Sangeet again. And the first thing didn't go through because of budgetary constraints those days. And they said, how come you're charging so much? I said, if I don't charge now, I'll never be able to charge. Then they said, we are family. I said, I got my parents and they're no more. So but where does family come in suddenly? You know, so they got really pissed with me and I was thrown out of the office. Yeah. ये तो एक गुलशन ग्रोवर का डायलॉग होता था किसी पुरानी 90s की मूवी में. दिल गार्डन गार्डन हो गया. यूज्ड टू बी अ बैड गाय. सर में था. कौन सी मूवी थी? फक आई फील सो ओल्ड गॉड डैम. Only 90s kid will remember this. अरे पूरा इंटरनेट ही 90s kids था. अभी एक साल तक अभी दो साल में चेंज हो जाएगा. उतना भी पुराना नहीं है गाना. 2010 क्या सुपर कूल है. I remember because I had 2G and I downloaded it part by part from torrent websites. And then I think it's you only. वो कौन सी पिक्चर में डायलॉग था दिल गार्डन गार्डन हो गया. जरा गूगल करना सुमित. अब मेरे दिमाग में फंस गया. Play my dialogues. You're next. Oh. I also think Suresh sir. I think Suresh sir. Because he didn't make it to the movie. There is some bad blood there. So I feel. Then why would you? Yeah. Then why would I give the song? Because I don't know. Nine names. Maybe to defend. I think it's Anas also. Itna sara kuch. I was not. That's why I downloaded it in parts. I saw one part, deleted the next one. But now it's on the playlist, not the song. I'm watching the music video as we speak, and I'm 3 steps away from an epileptic attack. What the fuck is this video, yaar? Just watch it on mute. Dimag khara ho jayega. I know. I've seen. But it. Very colorful. Yeah. Oh my god. Okay. Suresh sir, I will go. Suresh sir. Till Garden Garden ho gaya is also. Suresh sir's internal personality is exactly what is going on in this music video. Oh, I am going with Kamba. Even if Suresh sir was not a part of this, I feel it's like a song Suresh that is very fun. Yeah, it would still be Suresh sir. Agreed. I think it's Suresh sir. I'm going with Kamba. Okay, I'll go with. I'm still confused, but. Chalo, I'll also go with Suresh sir. Okay. Anas bhi ho sakta hai, but Anas ya Suresh, I think Suresh. Okay. Anas, your final vote. Suresh sir. तो खंबा ने वोट कर दिया सुरेश सर को. सुरेश सर ने वोट किया है खंबा को. गुरलीन ने वोट किया है सुरेश सर को और अनस ने भी वोट कर दिया है सुरेश सर को. ये आपके फाइनल वोट्स हैं दोस्तों. और ये जो गाना है दोस्तों गार्डन गार्डन इज कमिंग फ्रॉम Gurleen Pannu, everybody. Yes. Oh, fuck.
ओह शिट, ये तो ट्विस्ट, ये तो ट्विस्ट, नाइस ट्विस्ट. ऑब्वियसली आई हर्ड द सॉन्ग. वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड. आई जस्ट यूज्ड योर गाइस स्ट्रेटजी के मैं भी ऐसी बोल दूंगी, मैंने गाना ही नहीं सुना है. बट ये गाना मेरे को याद है बिकॉज आई वाज नॉट अलाउड टू वॉच दिस मूवी. Yeah, it was obvious reasons. So, फिर मुझे गुरलीन, just remember गुरलीन, एक बार ना ऊपर जाले, ऊपर वाले को जवाब देना है हमें कभी ना कभी. Just remember all of that. For doing all these strategies. इस बात के points मिलेंगे मुझे कि मैंने मतलब मेरे को ये चीज़ मिली थी. But इस movie के बाद I got another super hit film called Grand Masti where I played a villain again. Yes. Yes. That was bizarre. That was also sex comedy. That was way better than this one. Because I didn't see it. Yeah. In that Grand Masti, mein to apna, it was all sexual innuendo, na Grand Masti. Mein. Yeah, it was like. Isme bhi I think ye sab tha. I Naked Gun series se kaafi. Ah, got it. Inspired cheese in usme. But Masti Part 1 also was a part of it. I had a beautiful cameo in that film, the Aftab. So that was fun. कोई हिंट ना चला जाए किधर. मैं तो बस ये कहना चाह रहा हूँ कि isn't it sad कि जिसको भी मिलेगा, किसी को भी मिलेगा जो एंड में जो प्राइज है, जो सुमित ने इतना अच्छे से बटोरा है हमारे लिए, हम क्या कचरा सुन रहे होंगे उसके ऊपर. लाइक वो किसी चाइनीज, हाँ किसी चाइनीज बच्चे ने बैठ के वो असेंबल किया हमारे लिए और हम साला ये सुन रहे हैं उसके ऊपर. बताओ बुरे हाल यार. बट ठीक है चलो कुछ नहीं. I like the music of the song. Actually, I like the video also. It's so quirky. It's so मतलब. I love this song. I just love this. It's a great song, combines a hater of like niceties and happiness actually. No, I like. I want to confess. आपने बिल्कुल सही समझा था, वैसे ही देने थे. और आपके प्लेलिस्ट जो जहर है यही मुझे सुनना है. बट सबके अपने अपने हिसाब से प्लेलिस्ट के जहर है. सो ऑल सॉन्ग्स आर गुड सॉन्ग. जैसे सुरेश सर को भी मैंने बोला था कि सुरेश सर वाज ऑफर सेंडिंग यू प्लीज डोंट जज मी. मैंने कहा कोई जजमेंट है ही नहीं इस गेम में. हम जज करने के लिए गेम खेल ही नहीं रहे. तो या बट वेरी वेल प्लेड गुरलीन. मतलब बिल्कुल ही वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेरी वेल. आपको मौका ही नहीं दिया और आपको पूरे के पूरे 10 पॉइंट मिलते हैं दोस्त. और यस कुछ अच्छे सुपर चैट्स हैं जो मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा. पीयूष पांडे कहते हैं अमेजिंग पैनल टुडे अगेन. कंबा महाराज लव्ड को, चलो को, कोई बात नहीं. व्हेन इज गवर्नमेंट रिलीजिंग ऑन अमेज़न प्राइम. लोग लग जाते हैं, एक रिलीज हुआ नहीं कि नो कमेंट्स. लव द शो, ग्रेट पैनल एंड स्पेशल रेस्पेक्ट फॉर कंबा एंड सुरेश सर. क्या बात है, सब चादर चढ़ा रहे हैं. थैंक यू एवरीबॉडी. चादर चढ़ा रहे. इसका कॉनोटेशन कुछ और ही है. नहीं नहीं नहीं, इट्स ग्रेट. लोगों को पसंद आ रहा है यार. सबने बहुत कमेंट में बहुत लिखा है. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द पैनल. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो गाइस. लव द शो किसी ने लिखा है. पीयूष पांडे फिर से कह रहे हैं सुरेश सर फ्रॉम डेज ऑफ टी टाइम मनोरंजन ऑन दूरदर्शन टिल टूडे यू हैव रियली विटनेस्ड इंडस्ट्री revolution equivalent for comedy. Amazing journey sir. Sir matlab sab dekha hua inhone. Matlab yeah sir. What I think when I penned out a book it will be very interesting. Bunch of stories I think with all the actors that I worked with and oh my god, anyway, good fun. A lot of things to learn yet, but I want to now rediscover myself, you know. And do something. Have more, do more Instagram reels, Papa. Maybe Instagram star banunga, Papa. I think, sir, you should watch Bo Burnham's Inside. He's done amazing comedy special on this content creation and all. So I think it that's the trap. But I must say, there's more pressure on today's kids than whatever pressure was there on us. You know, because Manoj, we all of us, Vajpayee, we all started a struggle together. We were chosen for one show together.
which was called Maybe Detective, which was based on Cluedo. And Manoj, last moment, he said, I don't want to do this. You know, I don't want to do Bhandgiri, as he said. You know? And what all things we did in that show. I played a slipper. So playing a slipper, I do not know if I can do the same thing again. How do you become a chappal and, you know, have dialogues and play, be on the ground, pretend as if somebody is actually using you and all. Man, but it was bizarre. So Manoj had walked out of that show and he said, I want to be a hero. And look where he is. What a wonderful actor. And the journey of people are so different and so much of joy to see. Even Shareeb Hashmi, for that matter. Wow, man. And Shareeb Hashmi is a brilliant writer too. Yeah. Sir, Suresh sir, अभी आपने बोला ना क्लूडो के ऊपर यू वर डूइंग अ शो विद मनोज, यू नो व्हाट शोड अप ऑन माय एल्गोरिथम यूट्यूब पे, आई डोंट नो दिस गाइस वोंट हैव सीन इट, बट वो आपको शो याद है दूरदर्शन पे तहकीकात? ओह यस, वेयर देयर यूज्ड टू बी, सो यू ऑल नीड टू वॉच इट फॉर इट्स द मोस्ट ओल्ड स्कूल डिटेक्टिव शो फ्रॉम बैक इन द डे. उसके अंदर यू नो व्हाट आई, तो first of all, it has aged really badly because obviously now all the mysteries, when we were kids, it was like, oh my god, who is the killer? Right? Now it's like, char to character hai, ye ho nahi sakta, to yehi hoega. So, tumhe dikh raha hai budget. But uske andar, you know, Suresh sir, what I lost it and I was shocked. I said, isko writer ko paise kaise mil gaye? Usme na, so there are two, right? The main detective is Sam D'Souza, right? And then there is Saurabh Shukla who plays this sidekick called Gopi. Okay, so sir, Sam D'Souza's punchline to Gopi every time he fucks up is, Gopi, you're such a Gopi. That's the line. And everybody's like, fuck. And ye chote hote ka bomb lagta tha show. So y'all need to watch it. If you ever do play my old Doordarshan shows, y'all should watch it. Kamba is like, paisa kaise deti is writer ko? Fuck, man. What is Gopi? You're such a Gopi, man. What the fuck? Oh my god, man. Anyway. Nice. Kafi nostalgia, dosto. I hope aapko maza aa raha hoga. Kafi andar ki story pata chal rahi hai. Nice. Great insight. Bahut maza aaya mujhe to ye jaan ke. Dosto, isi ke sath hum aakhri gaane pe aa gaye hain, dosto. So, let's have fun with this song and we'll end the stream after this song. All right. Yes, dosto. Ali da Malang, Nusrat Fateh Ali Khan saab. And okay, now I have two things to say. First, Nusrat Fateh Ali Khan saab, very good choice. Second thing, ye kawali dalni chahiye thi na. Ye wala version dalne ki zarurat. Tab ye kisi bahut ya to millennial insaan ne dala jo kawaliya nahi sunte. Because ya fir jo matlab deflect karne ke liye bhi ho sakta hai, deflection bhi ho sakta hai. So I am. This is clearly a deflection. मुझे बताओ कौन सा जोक याद आया. आई डोंट नो हु हैड डन इट. यहाँ तो ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज पे किसी ने किया था. इट वाज फकिंग ऑफेंसिव बट इट वाज डैम फनी. किसी ने जोक मारा था कि जितने भी पाकिस्तानी गजल कवाली सिंगर्स होते हैं कि नुसरत सर और अबीदा प्रवीण मैम एंड ऑल, ये कुछ उन्होंने बोला था कि ये गाना गाते गाते लाइट बल्ब क्यों बदलते रहते. आई डोंट नो हु हैड फकिंग डन दिस जोक. समबडी हैड डन इट ऑन लाफ्टर चैलेंज. आई डोंट नो इफ इट वाज राजू जोक, राजू श्रीवास्तव जोक. राजू श्रीवास्तव, राजू. इट सीम लाइक इट. इट सीम लाइक इट. व्हेन आई हर्ड इट, आई जस्ट सडनली रिमाइंडेड मी. आई एम जस्ट सरप्राइज्ड कि उस टाइम पे टीवी पे इतना बोल सकते थे लाइक. हां हां. ओ वी 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 आर दैट जनरेशन विद लेसर एसएनपी.
So yeah, we got away with a lot of things. So yeah, the amount of insights from Thambasa used to come back with SNP ne mantri bhi bolne nahi diya. there was SNP, but you know also what happened today is that there's information travels so fast that anything can become news anytime, you know. So it's better to be safe. So kya lagta hai dosto, Ali Da Malang kiske playlist se aa raha hai? So I have not heard this song either. उनके बारे में तो जानता ही हूँ, बट मैं बहुत ज्यादा नहीं सुनता ना. मैं एक स्टोरी बताऊंगा आपको एक बहुत फेमस कवाली सिंगर की, जिनको हमने ना एक सिंगापुर में शो किया था और हमारे को ऑर्गेनाइजर ने आके बाद में पूछा कि ये कवाली सिंगर भी आ रहे हैं तो इनकी ना ये डिमांड होती है, मैं नहीं बोलूंगा क्या, तो आपको भी चाहिए क्या? तो मैं हमने मना कर दिया था. तो अब मैं नाम आपको ऑफ स्ट्रीम बताऊंगा, फट गई थी आगे. ओके. और दोस्तों ये नाम जानने के लिए आप गुरलीन और मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे. बीस रुपए में हम लोग आप रिवील करेंगे. मैं 2 रुपए में रिवील करूंगा, प्लीज मुझे फॉलो कीजिए दोस्तों. सारे सबको जाकर जितने लोग स्ट्रीम देख रहे हैं प्लीज फॉलो देम. मैं नीचे डाल दूंगा स्ट्रीम खत्म होने के बाद सबके इंस्टाग्राम आईडी डाल दूंगा, तो प्लीज फॉलो देम. सारे काम पसंद करो. एंड बैक टू द गेम दोस्तों, आई विल आस्क खंबा क्या लगता है किसका करने वाला, ईदर सुरेश सर और अनस, बट आई एम जस्ट स्टक बिकॉज जब सुरेश सर ने बोला था तो वो बहुत ऑब्वियस लेके चल रहे थे. सो ईदर इट इज आपको मुझे लगता है कि सुमित इज अ वेरी नाइस गाय, नाइस जज, सो आई एम लीनिंग आइदर और प्लस अभी सुरेश सर का भी जो पिछली बारी मैंने सोचा था सुरेश सर का होगा वो अनस का निकला, व्हिच मींस सुरेश सर का भी काफी देर से गाना नहीं आया, तो लास्ट गाना है, तो आई एम लीनिंग इन हिज डायरेक्शन लिटिल बिट. सुरेश सर क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि सुमित इज अ वेरी नाइस गाय, नाइस जज, सो आई एम लीनिंग ऑल्सो. क्या लगता है किसका गाना? आई वॉन्ट टू गो विद खंबा. I want to give it one last shot. Thamba. I can also go with Thamba, sir, but... Because I feel the story he's about to tell us is about this single. I think this is a setup. You establish kar rahe. It's not him. It's Rahat. Oh, shit. People might mistake. No, no, guys. ठीक है दोस्तों, फटाफट वोट का चालू करते हैं. अनस, योर फाइनल वोट. माय फाइनल वोट इज सुमित. नो, माय फाइनल वोट इज खंबा. ओके. सुरेश सर, आपका फाइनल वोट? माय फाइनल वोट इज ओह गॉड, नाउ सडनली आई एम कंफ्यूज्ड बिकॉज़ ही ब्लिंक्ड. So before this you blink, my friend. Dekha hai. It's me only Suresh ka lagi. I go with Anas. Oh my god. Suresh sir ne Anas ko vote kar diya hai. Gurleen, your final vote? I think I'll go with Suresh sir. Okay. And Khamba, your final vote? Suresh sir. Okay. So, दोस्तों ये है फाइनल वोट्स. खंबा ने वोट किया सुरेश सर को, सुरेश सर ने वोट किया अनस को, गुरलीन ने वोट किया सुरेश सर को और अनस ने वोट किया है खंबा को.
और ये जो गाना आ रहा है दोस्तों, अलीदा मलंग इज कमिंग फ्रॉम खंबा एवरीबॉडी, और अनस को पूरे के पूरे 10 पॉइंट मिलते हैं। यस इतना खुश हूं मैं आज, मजा आ गया, खंबा को पकड़ लिया मैंने। दैट्स ऑल आई वांटेड टू डू, आई जस्ट खंबा को पकड़ना था। I thought Khamba sir might listen to Kavali, not like the song. I think Khamba played very well. Haan, but I'll tell you what the clue was, the giveaway was to it being on my playlist. This is a Bali Sagu remix. Oh, that. Who is the most Punjabi Punjabi ever? Yeah. So if you think about it from haan. But it's a lovely album called Magic Touch. It has Bali Sagu's remix. If as long as people like make it, it becomes more accessible, I guess, for everyone. But it's a very old album, by the way. Late 90s, early 2000s, late 90s ki album. Early 2000s, I don't remember. Wow. So 9 a.m. to gana. Yeah, kafi. So, मैं तक अपनी लिस्ट से भी बजा दे एक गाना। मैं बजा दूंगा दोस्तों। अभी फिलहाल आप हमारे लिस्ट से लेट्स काउंट किसके लिस्ट से सबसे ज्यादा गाना बजी है। आई थिंक खंबा गुरलीन, आई थिंक गुरलीन गुरलीन मैंने खंबा 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 गुरलीन, तीन खंबा के, तीन गुरलीन के, दो अनस के, दो सुरेसर के। सो टोटल 10 गाने मैंने बजाए हैं आज, और क्योंकि एक खंबा ने पहले ही बोल दिया था तो या मैं भूल ही गया उसके बारे तो। That was really bad because I had या और उसने वो डिफ्लेक्शन भी दिया था कि ये 2021 का इसने शायद गलती से डाल दिया होगा, तो आप बोल सकते हैं यार नहीं मुझे पुराना पसंद है, मैं ये कभी नहीं डालूंगा। बट ठीक है, आपको पता नहीं था, आप उस टाइम तक हर आपको हर एक गाने के लिए पॉइंट मिला था टिल दैट सॉन्ग, एंड देन उसके बाद आपको एक भी पॉइंट नहीं मिला। या दिस आर द स्कोर्स गाइस। सुरेश जी है 15 पॉइंट्स पे, खंबा है 20 पॉइंट पे, yes, Gurleen is on 30, और ये जो शो जीतता है with 45 points, that is Mohammed Anas, everybody. आपको मिलते हैं earbuds, और yes, कुछ कहना है अनस जी, आप एक winning speech हो जाए, कैसे मतलब क्या strategy थी जो work करी, और अब शुरू से बहुत confident। सुमित ये प्ले मैं प्लेलिस्ट खेलने के लिए ना, आपको इंसानों को समझना बहुत जरूरी है। जो कि जब खंबा ने मुझे कहा कि डू यू वांट टू राइट दिस शो विद मी, यू वांट टू राइट दिस शो, आई डिडंट वांट टू लर्न हाउ टू राइट, आई वांटेड टू लर्न अबाउट हिम सो दैट वन डे व्हेन वी कम फॉर दिस शो आई डिस्ट्रॉय हिम, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। क्या प्लानिंग, डिस्ट्रॉयड खंबा, ही इज नॉट गोना स्लीप फॉर 4 डेज। एक सुमित जल्दी ले... सुमित प्लीज जल्दी भेज दियो यार प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, आपको एक हफ्ते के अंदर आ जाएंगे दोस्त। एक गुरलीन के लिए अच्छा सुपर चैट आया है, फरकान जी कहते हैं गुरलीन इज द फाइनेस्ट बट येट वेरी अंडररेटेड कॉमेडियन, लव टू सी हर इन दिस पैनल, गाने से ज्यादा पैनल इस सीजन के जहर है सुमित भैया। थैंक यू सो मच, थैंक यू गुरलीन फॉर कमिंग ऑन बोर्ड, थैंक यू गाइस, थैंक यू यार, thank you so I much I just wanted to say one thing to Suresh sir, matlab mere maine gana bhi dala tha playlist mein, that's why main acknowledge bhi karna chahta hu, I put the song Soni de Nakre from part one. So I just wanted to say that we as a family love your performance in that movie, aur abhi bhi inside jokes hamare chalte rehte, so I think that's, I find it very hilarious. So just thank you. Same man, there's a lot of love for Suresh sir from all our families. Yeah. My mother was really stoked when we were in the sketch together. She was like, we've seen him so much. My mother and father both. So, unke liye bahut special tha. Thank you so much. So, mere abhi sare theater wale friends is stream dekh rahe honge. Maine bahut flex kar diya theater wale group. Oh God, that was a lot of fun actually, though, all these years in this industry. I love this place that where we are. And I think, Khamba sir, thoda aur gags dijiye na. करते हैं सर। ओके थैंक यू सो मच गाइस फॉर ट्यूनिंग इन, आई होप यू गाइस हैड फन, एंड उसी के साथ
शो एंड करते हैं. वन फाइनल लास्ट शाउट आउट टू आवर स्पॉन्सर, जो विनर के स्पॉन्सर हैं, द ऑडियो स्टोर डॉट इन. प्रीतम जी को हमारे तरफ से एक शाउट आउट एंड थैंक यू गाइस. गुड नाइट, सबा केयर.